ये मोदी है। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी है। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं, मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल दो प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया। भाई, इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो, कोई बच्चा भूखा सोया हो, वो दिन मैं देखना नहीं चाहता था। और हम सफलतापूर्वक कर पाए। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे, अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी, अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली, अब एनसीसी चलेगी इन गांवों में, मेरे गांव के बच्चों को मिलेगा लाभ। साथियों, हमारे पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती रहती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ना हो तो पहाड़ पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान कर रही है। आज उत्तराखंड को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां पर रेलगाड़ी की आवाज उत्तराखंड के विकास की एक नई गाथा लिखेगी। देहरादून एयरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू की, और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहां 2-2 पीढ़ी पहले की जो उम्र के लोग हैं, ऐसे गांवों में हर गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है, और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो अभी तो एक स्टेशन पहुंची है, लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो दिन मैं उत्तराखंड में भी देखना चाहता हूं भाई।